Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. This is me, Laika Mushtaq, और आप सबकी requested, most requested video. क्योंकि मैंने Instagram पे एक story लगाई थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि ये cheese balls अगर किसी को recipe जाननी है तो वो लोग DM करें, मुझे comments करें और मेरा जाके channel subscribe करें. तो आप सब guys ने मुझे बहुत सारे DMs किए हैं, कुछ ने बहुत स्वीट मैसेजेस लिखे हैं कि हमने तो पहले ही सब्सक्राइब किया, आप बस रेसिपी अपलोड कर दें, हमें जल्दी जल्दी रेसिपी बता दें. तो मैंने सोचा कि मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया तो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की. तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी रिकॉर्ड करने लगी हूँ, तो ढेर सारा प्यार बरसा दीजिएगा. ये हमारे पास सामने पड़े हुए हैं आलू, मतलब कि पोटैटो, जिनको हम लोगों ने उबाला हुआ है. तो अब हम इनको मैश करेंगे अच्छी तरह प्रॉपरली. आपके पास फॉक्स अच्छी तरह हो जाते हैं, आप नहीं करना चाहें तो आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं आप लोगों को मैश करके दिखाती हूँ. जैसा कि आपने देखा है, इसको इसी तरह पूरी तरह मैश कर लेना है और मतलब पीसेस में ऐड कर लेना है, बिल्कुल ये प्रॉपरली मैश हो, ठीक है? देन फिर आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ. तो ये मैश हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम लोग ना टेस्ट एडिटिव्स ऐड करेंगे. टेस्ट एडिटिव्स ऐड करने में हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाफ स्पून रेड चिली. मतलब ये टेस्ट एडिटिव्स आप अपने हिसाब से, अगर आप लोग स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप लोग इसको ज़रा ज़्यादा स्पाइसी बनाइएगा, अगर आप लोग कम स्पाइसी लाइक करते हैं तो इसको कम स्पाइसी बनाइएगा, नॉर्मल बनाइएगा. मतलब कि इसका ज़्यादा मज़ा ना स्पाइस में ही है. ये हम सॉल्ट ऐड करें, उसके बाद ये वो मसाले जो ऐड होते रहते हैं, धनिया वगैरह, सूखा धनिया सारे ग्राइंड किए हुए, एक काली मिर्च, उसके बाद चाट मसाला, तो अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं. तो ये सारी टिप्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, कुछ ऐसी सी लोकेलिटी की. तो अब हम ऐड कर रहे हैं धनिया, क्योंकि हम लोग मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर चुके हैं इसके अंदर पहले से ही. तो हम लोगों ने धनिया ऐड कर दिया था, तो अब हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर के 2 स्पून्स यहाँ पे 2.5 स्पून ऐड कर लें आप लोग, डिपेंडिंग अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ पोटैटोस. जितने ज़्यादा पोटैटोस होंगे उसके हिसाब से ऐड करिएगा आप लोग. मैं 2.5 स्पून यहाँ पे ऐड करें, अब हम इसको मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. और ये इस तरह का निकल आया है. अब इसके ना हम लोगों ने बॉल्स बनाने हैं. बॉल्स बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, मतलब बॉल्स बना के हाथों से गोल गोल कैसे करने, क्योंकि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है तो मैं पकड़ नहीं सकती. सो इसलिए मैं आप लोगों को बॉल्स बना के फाइनल लुक दिखा दूंगी. तो ये हम लोगों ने बॉल्स बना लिए हैं. अब इसके अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि चीज़ तो ऐड ही नहीं की, जबकि ये तो चीज़ बॉल्स हैं. तो अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर चीज़ ही ऐड करेंगे, वो भी मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखा देती हूँ. तो मोज़रेला चीज़, 2 टाइप की चीज़ होती है, चेडर चीज़, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़. तो अब इस चीज़ को ना मैं इस क्रशर के थ्रू क्रश कर लूँगी, अब ताकि हम लोग ना चीज़ बॉल्स के अंदर ऐड कर सकें. ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुई है, क्योंकि इसलिए क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी और मैंने अभी अभी निकाली है. चीज़ कर लिया है हम लोगों ने, और ऐड करते जाएंगे चीज़ बॉल्स के अंदर, और अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम लोग और इसको क्रश कर लेंगे. तो ये चीज़ बॉल्स पर ही अब मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगी कि किस तरह हमने एक चीज़ बॉल के अंदर इस चीज़ को ऐड करना है. ये पकड़ा हम लोगों ने एक बॉल, पोटैटो बॉल. ये हम लोगों ने एक पकड़ा है पोटैटो बॉल, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को. इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे जैसे हम लोग रोटी का पेड़ा इसको कहते हैं ना, उस तरह करते हैं ना, ऐसे कर लेना है, नज़र आ रहा होगा. थोड़ी सी लेनी है चीज़, मतलब अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लेनी, ऐसे चीज़ है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को. और अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे करना शुरू होता है. जब आप ऐसे करते तो इसका दोबारा से गोल गोल करके इसका एक दोबारा से वही बॉल बना लेनी है जैसे पहले बॉल थी.
तो ये बन गई आपकी चीज़ बॉल, तो इट लुक्स लाइक दिस। तो ये बन गई आपकी चीज़ बॉल, तो अब बाकी सब भी इसी तरह बना देंगे। अब ये बन गई है पोटैटो चीज़ बॉल्स, तो अब हम इनको करेंगे फ्राई, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ऐसे इतने इतने ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम लोग इनको निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रंची सा है, गरम बहुत ज़्यादा है। खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ओवरलोडेड चीज़। मज़ेदार मगर अभी डोज़ है, तो अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ।